हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बिंद कोचिंग क्लासेस पर। आज हम आप सभी को चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.2 के बारे में बताएंगे। एक्सरसाइज 1.1 हमने अपने अगले यानी जो हमने वीडियोस पहले हमने अपलोड कर दी है उसके बारे में, अगर आप सभी को उन वीडियोस को देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। अपने इस वीडियो पे आज मैं एक्सरसाइज 1.2 के सेकंड क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूंगा और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाइड दैट। आपको क्या है कि जो आपको एलसीएम और एचसीएफ क्या करना है, फाइंड करना है किसका, जो आपको इंटीजर्स दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर हम आपके सामने कुछ इंटीजर्स, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में आपको दिया 26 एंड 91, ये जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको दिए गए 26 एंड 91, ये आपको दो इंटीजर्स दिए गए हैं। अब आपको इन दो इंटीजर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और उसे वेरीफाइड करना है। क्या वेरीफाई करना है, आपको वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का यानी 26 का 91 का पहले एलसीएम और एचसीएम निकालेंगे और इसे वेरीफाइड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम क्या करते हैं, 26 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो मैं इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा सॉल्व कर रहा हूँ। मैं इसे लिख सकता हूँ 13 × 2 × 1, 13 × 2 = 26 × 1। इसी तरह 91 है, 91 को हम लिख सकते हैं 13 × 7 × 1, ठीक है। तो मैंने इसको सॉल्व किया तो हमें ये मिला, ठीक है। देखिए हम पहले निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है कि जो दोनों में रहता है यानी 13 है उसको भी लिखते हैं, जो दोनों में नहीं रहता उसको भी लिख देते हैं। जैसे दोनों में 13 था तो लिख दिए, इसमें 2 है, इसमें 7 है, और 1 को भी चाहे तो आप लिख सकते हैं। और इसका इन दोनों का क्या कर देंगे हम, इंटू। जब हम इंटू कर देंगे इन दोनों का तो हमें क्या मिलेगा, 182 मिल जाएगा। तो ये हमें क्या मिल गया, इन दोनों का एलसीएम, किसका, 26 का और 91 का। इसी तरह हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ क्या मिलेगा हमें, एचसीएफ क्या मिलेगा, जो दोनों में है कॉमन, क्या है दोनों में, 13 ना, ये हमारा आ गया एचसीएफ। यानी हमारा एचसीएफ कितना है, 13 आया, जो हमारा एलसीएम आया वो कितना आ गया, 182। तो हमने कैसे निकाला, हमने एलसीएम निकालने के लिए क्या किया, जो दोनों में था उसको भी लिखा, जो दोनों में नहीं है उसको भी लिख दिया, ठीक है। और एचसीएम में क्या करते, जो दोनों में रहे उसी बस को हमें लिखना है। तो ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन करेंगे कैसे, वेरिफिकेशन कि एलसीएम का और एचसीएफ का इंटू करना है, यानी 182 का और 13 का इंटू करना है। और हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो हमको ये दो नंबर्स दिए हैं इनका भी हमें क्या कर देना, प्रोडक्ट करना है। तो दोनों नंबर्स यानी 26 और 91 अगर इन दोनों का इंटू करें और एक जैसे नंबर आ गया, यानी दोनों का आंसर अगर सेम आ गया तो जो हमारे ये एलसीएम और एचसीएफ आया वो सही है, और अगर नहीं आता है तो यानी हमारा एलसीएम और एचसीएफ क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो हम एक इसका जब इंटू करते हैं तो आता है 2366, और इसका भी किए तो क्या आ गया, 2366। यानी हमारा जो आंसर है, यानी जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ है वो क्या है, सही है। जो हमने वेरीफाई किया है वो भी क्या हो गया है, सही होगा। तो इस तरह आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है और बाकी जो क्वेश्चन है उनका, उनको आप सॉल्व करिए। अगर उनका आपको आंसर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, देखने में कैसी लगी, अगर कोई गलती हो, कोई सुधार हो, ताकि कमेंट के, आपके कमेंट के जरिए हम उस पर सुधार कर सकें, आपको और अच्छा समझा सकें, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।